पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कबरई पत्थर मंडी के चर्चित इंद्रकांत त्रिपाठी हत्याकांड को लेकर लगातार सनसनी मची हुई है। प्रशासन के हाथ पांव फूल रहे हैं और पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर लोगों में और मृतक इंद्रकांत त्रिपाठी के परिजनों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है कि पूरे मामले में पुलिस लीपापोती करने में जुटी हुई है। और ना मैं जो पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार जिनको निलंबित किया गया था उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और जांच के नाम पर पूरे मामले में पुलिस द्वारा कहीं ना कहीं लीपापोती की जा रही है। हमारे साथ ये परिजन है और इन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर थाने का घेराव किया है। इनके साथ सैकड़ों ग्रामीण थाने के सामने खड़े हैं। आप देख सकते हैं पीछे की भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। थाने की बैरिकेडिंग कर दी गई है और इनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह है और क्या इनके मामले में पुलिस हीलाबाली कर रही है, इस वजह इन लोगों में किस वजह से आक्रोश है। ये क्या नाम है आपका? मैं ओमकार त्रिपाठी। अच्छा, क्या 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 हो गया है? समस्या ये हुई कि इनका चाचा के जैसे ही अंतिम संस्कार हो रहा था, अंतिम संस्कार के बाद से जैसे ही लोग निकलना शुरू हो गए तो इन लोगों ने पुलिस ने परिजनों को उठाना शुरू कर दिया। उठान जबकि हम लोगों के यहाँ होता बुंदेलखंड में परंपरा है कि अंतिम संस्कार के बाद से घर जाते हैं, फिर इसके बाद से नहा के घर जाते हैं, वहाँ से महिलाएं आती हैं, महिलाएं भी उस स्थान तक जाती हैं। लेकिन वो उस परंपरा को विखंडित कर दिया गया, कोई ध्यान ही नहीं है। इनको महत्वपूर्ण है ये न्याय के इन्वेस्टिगेशन दिखा करके न्याय की हमको जल्दी है, इनसे ज्यादा प्रशासन से ज्यादा हमको, क्योंकि हमने अपना एक सदस्य खोया है, एक परिवार का सदस्य खोया है। न्याय से इनसे ज्यादा जल्दी हमको है न्याय की। महिलाएं अभी भी वहां बैठी हुई हैं, ये परंपराओं को मान ही नहीं रहे हैं। इनको तो केवल चाहिए अपना प्रशासन अपना बाहुबल दिखा करके दबाना चाह रहा है आवाज को, और कुछ नहीं है जी। तो आप देख सकते हैं कि ये मृतक इंद्रकांत त्रिपाठी के भतीजे हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो प्रशासन की जो कार्यप्रणाली है और प्रशासन की जो दबंगई है उससे इन लोगों में और पूरे कस्बा वासियों में आक्रोश है। हमारे साथ और भी इनके परिजन हैं मृतक इंद्रकांत त्रिपाठी जी के, इनसे भी बात करके जानते हैं कि आखिर क्यों इन लोगों ने थाने का घेराव किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील कुमार है। अच्छा, हम लोग दया संस्कार करके वापस लौट रहे थे और दया संस्कार करके वापस लौट रहे थे, रास्ते में पुलिस ने हमारे भाई के छोटे को पुरुषोत्तम सोनी को उठा के जबरदस्ती गाड़ी में लाद के बदमाशों की तरह अपहरण करके लेके भाग आई है। थाने में बैठाए हुए हैं और बाल किशोर द्विवेदी को उठाना चाहती थी तो जनता ने उनको उठा लिया है। जनता के अंदर तब का क्रोध है कि भाई ये हम लोगों को क्यों उठा रहे हैं, क्या ऐसी समस्या, कुछ पूछताछ करना थी तो हम लोग आते घर में कपड़े वपड़े बदल के बैठते तो भाई आते डीएम साहब और दोनों लोग दया संस्कार में आए थे तो अपना बात करते, उनने कोई बात नहीं की, उठा के ले आए। तो आप देख सकते हैं जैसा कि लगातार इनके परिजनों में और कबरई कस्बा के लोगों में आक्रोश बना हुआ है पुलिस की और प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर कि किस प्रकार प्रशासन की तानाशाही और दबंगई के चलते एक पत्थर व्यवसायी ने अपनी जान दे दी और अब उनके परिजनों और उनके करीबियों को पुलिस और प्रशासन द्वारा दबाया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है, जैसा कि इन लोगों ने आरोप लगाया। इसी को लेकर सैकड़ों की संख्या तो व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी का आज अंतिम संस्कार हुआ कड़ी सुरक्षा के बीच। दिलीप हमारे सहयोगी महोबा से लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दिलीप परिजनों के साथ मौजूद हैं, आपको बता दें, और सीधे रुख करते हैं दिलीप का। दिलीप जी, जी बिल्कुल अदिति, आपको बता दें कि लगातार जो पत्थर व्यवसायी विस्फोटक व्यवसायी इंद्रकांत त्रिपाठी थे उनको उनकी हत्या को लेकर पूरा बवाल बढ़ता ही जा रहा है और इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सरकार पर सवाल उठाए हैं और सरकार को पूरे मामले में लीपापोती करने का आरोप लगाया है। तो वही पुलिस और प्रशासन की तानाशाही और दबंगई से आक्रोशित ग्रामीणों ने और मृतक इंद्रकांत त्रिपाठी के परिजनों ने थाने का घेराव किया और नारेबाजी की। इनका आरोप है कि उनके अंतिम संस्कार के तुरंत बाद ही उन लोगों को, उनके करीबियों को और उनके परिजनों को पुलिस उठाकर थाने ले जा रही थी, जिसके बाद लोगों ने नारेबाजी की और आक्रोश जताया। तब पुलिस कहीं वहां से मौके से भागी, हालांकि एक दो लोगों को पुलिस ले जाकर थाने में अभी भी बिठाए हुए हैं। हमारे साथ उनके एक परिजन है, इनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या वजह थी कि यहां सैकड़ों लोग थाने के बाहर घेराव किए हुए हैं और पुलिस बल तैनात है। जी, क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। ये बताइए, आप लोग थाने के घेराव को किए? हम लोग संस्कार करके इंद्रकांत त्रिपाठी जी का अपने घर वापस हम लोग जा रहे थे, शांति से हम लोगों ने ग्रामीणों के साथ दाह संस्कार किया,
पुलिस ने जब तक दाह संस्कार नहीं हुआ, पुलिस जब तक कोऑपरेट करती रही, जहाँ दाह संस्कार करके हम लोग अपने घर वापस जा रहे थे, गीले कपड़े पहने हुए थे, और पुलिस ने हमारे भाई छोटे पुरुषोत्तम सोनी को वो बालकिशोर द्विवेदी को जबरदस्ती गाड़ियों में ले जाने की कोशिश की, जिसमें बालकिशोर द्विवेदी को ग्रामीणों ने बचा लिया और पुरुषोत्तम सोनी को उन लोगों ने आकर लाकर थाने में बचा लिया है। इसी वजह से आक्रोश में तो जनता थाने का घेराव किए हुए है और वो चाहती है कि भाई पुरुषोत्तम सोनी को क्यों थाने बढ़ाया गया है, इसका कोई जवाब अभी पुलिस की तरफ से नहीं मिल रहा है। क्या कोई आरोपी जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, क्या उनमें से कोई गिरफ्तार हुआ है? नहीं, अभी तो कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि भाई जो आरोपी है वो गिरफ्तार हो और उनके साथ कड़ी कार्रवाई हो और जनता को न्याय मिले। अदिति, आप देख सकते हैं साफ तौर पर इनका ये कहना है कि लोगों पे जो आरोपी है उनको पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करे और जल्द से जल्द इस मामले का पूरा खुलासा करे, ना कि इनके परिजनों और करीबियों को परेशान कर अपनी दबंगई और तानाशाही दिखाए। जी बिल्कुल दिलीप, और शुरू से लेकर अंत तक इस पूरे मामले में जिस तरीके से पुलिस की कार्यप्रणाली सामने आई, लगातार सवालों के घेरे में रही और कहीं ना कहीं बड़े सवाल तो खड़े हो ही रहे, और आज जिस तरीके से एसपी ने अभद्रता की है, क्या कुछ कहना है पुलिस अधिकारियों का इस पूरे मामले पर? क्योंकि लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं, कमिश्नर आश्वासन दे रहे हैं, मंत्री आश्वासन दे रहे हैं, नेता आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जो पुलिस है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही है, कानून व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है, और शायद यही वजह है कि एक के बाद एक परिजन लगातार कार्रवाई की गुहार लगा रहे हैं। बीते 6 दिन से आज तक एक अपराधी तक नहीं पहुंच पाई है पुलिस। जी बिल्कुल, जैसा कि लगातार जो हम सुबह से आला अधिकारी यहाँ पे आईजी और जिला अधिकारी सभी अधिकारी यही मौके पर है, तो लेकिन उनसे हम लोग बात करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस मामले को लेकर कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है और कैमरे से बचते हुए लगातार नजर आ रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं प्रशासन की व पुलिस अधिकारियों की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यही वजह है कि मृतक के परिजन और कस्बे के आम लोग भी इस आतंक के पर्याय बन चुके प्रशासन के को लेकर आक्रोशित है, और जो जानकारी लगी है कि अभी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू भी संभवतः मौके पर पहुंचने भी वाले हैं, और कई विपक्षी भी दलों के नेता भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और सरकार के कार्यप्रणाली पर उंगली उठा रहे हैं। जी दिलीप, जो आपके आसपास लोग मौजूद हैं जिन्होंने थाने का घेराव किया हुआ है, क्या उनको कुछ कार्रवाई का आश्वासन दिया गया पुलिस की तरफ से? क्योंकि आश्वासन ही देने, बीते 6 दिनों से आश्वासन ही सुनते आ रहे हैं ये लोग। जी अभी तक पुलिस या प्रशासन की तरफ से इन लोगों को कोई आश्वासन नहीं दिया गया, जबकि लोगों का सीधा आरोप ये है कि परिजनों के साथ और उनकी करीबियों के साथ प्रशासन ने अभद्रता की है, जबकि इन्हें कम से कम एक सांत्वना और आश्वासन देकर इनके पर जो मृतक है उनके परिवार को न्याय मिलेगा, और इंद्रकांत त्रिपाठी ने जिन्होंने अपनी जान दी है उनके साथ न्याय होगा और जो आरोपी है वो जेल में जाएंगे, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और जांच और चुप्पी दो चीजें लगातार अधिकारियों की जो चुप्पी है वो सवाल खड़े कर रही है, और लगातार जांच की बात कहकर जो झुंझुना दिखाया जा रहा है और मामले में लीपापोती की जा रही है, ये कहीं ना कहीं इससे लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। जी दिलीप, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है जिस तरीके से अगर इंद्रकांत त्रिपाठी की बात की जाए जिन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और आवाज बुलंद की थी अपनी एसपी के खिलाफ, उनको खामियाजा अपनी जान देने के साथ भुगतना पड़ा इस पूरे मामले का, तो ये कहा जा सकता है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई अपराध के खिलाफ या करप्शन के खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसका यही हश्र होगा। जी बिल्कुल, उन्होंने तो शुरुआत से ही इस घटना के करीब 1 हफ्ते पहले मुख्यमंत्री को बताया था, लिखित में शिकायत की थी, भेजी थी, और जब उनकी सुनवाई किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, उनको न्याय नहीं मिला, तो उन्होंने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन इसके बावजूद भी ना उनकी सुरक्षा का कोई ध्यान दिया गया प्रशासन की तरफ से, और उसी का नतीजा है कि आज एक परिवार बेघर हो गया और बच्चे अनाथ हो गए, और एक व्यापारी व्यवसायी जो अपने कस्बे में लोगों में बहुत प्रिय था और समाज सेवा के लिए आगे अग्रणी भूमिका निभाता था, आज वो लोगों के बीच नहीं है। शायद यही वजह है कि लोगों को उनके जितनी संवेदना है उससे ज्यादा प्रशासन और पुलिस के प्रति आक्रोश दिखाई दे रहा है, और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की लगातार जो धज्जियां उड़ रही है, तो लोगों का पुलिस और प्रशासन से विश्वास उठता जा रहा है। जी दिलीप, जिस एएसपी ने अभद्रता की, ये आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस एएसपी ने अभद्रता की है मृतक के परिजनों के साथ, क्या उस पर कोई कार्यवाही होगी अब आगे, क्या इसको लेकर आपने कोई सवाल किया? अधिकारी तो पूरे मामले से बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ लोगों ने जो बताया कि हमसे पुलिस द्वारा अभद्रता की गई,
तो अधिकारियों से अभी जैसे ही बात होगी तो उनसे इस बारे में भी बात की जाएगी और जानकारी जो भी होगी लेने का प्रयास करेंगे। जी दिलीप, नजर बनाए रखिएगा, पूरी खबर पर अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।